नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में ऑफ आईएलओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी को अपॉइंट किया एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में, इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी अदर संस्थाएं हैं, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में सीएजी को अपॉइंट किया गया है और इनका टर्नओवर कितना होने वाला है, इनका प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन पैनल में कौन कौन सी पार्टीज बैठती हैं और कौन से देशों को इस बार चुना गया था जिसमें हमको शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये सब क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया आए हो देन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। नाउ द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है सीएजी सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो हमने बताया कंप्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दैट इज सीएजी हैज बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ आईएलओ दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका टर्नओवर 2024 से 2027 4 साल का इनका कार्यकाल रहने वाला है। अब जो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कुछ इस प्रकार से है। सीएजी से हमारे सीएजी यानी कि जो हमारा सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है दैट इज सीएजी इंडिया का, उससे आईएलओ ने डिटेल्स मांगी थी। उनका जो सिलेक्शन पैनल है उसमें ट्राइपार्टेट एक सिलेक्शन पैनल बैठता है जो सारी की सारी रिपोर्ट्स मांगता है, और हमारे 3 मेंबर की एक कमेटी, 3 मेंबर्स की एक टीम वहां पर गई और उन्होंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया, हमारी जो स्किल हैं, जो एक्सपर्टीज हैं इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑडिट, तो वो सारी की सारी चीजें वहां पर प्रेजेंट की गई थी। उसी के आधार पर जो आईएलओ का जो एक ट्राइपार्टेट सिलेक्शन पैनल है उसने इंडिया को क्या किया है, शॉर्ट लिस्ट किया है। हमने शॉर्ट लिस्ट में तो 3 कंट्रीज थी, इंडिया है, कनाडा है एंड यूनाइटेड किंगडम्स है, उनमें से इंडिया को इस बार क्या किया गया है, चुना गया है, ठीक है। 2024 से लेकर 2027 तक 4 साल का टर्नओवर इनका रहने वाला है। नेक्स्ट मैंने बताया था इन जिनेवा ए 3 मेंबर्स टीम ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेंथ, अप्रोच और स्किल एंड द वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि और भी बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके वर्तमान में हमारे सीएजी जो हैं एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। अगर सीएजी की हम बात करते हैं तो ये एक हमारा क्या सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर आर्टिकल 148। और याद रखना जो सीएजी है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ साथ एक स्टेट्यूटरी बॉडी भी है। अब स्टेट्यूट आर्टिकल देखो 48 के तहत तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा, लेकिन स्टेट्यूटरी पावर इसको कहाँ से मिलती है, एक 1971 का एक्ट है दैट इज द सीएजी ऑफ इंडिया ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, उसके तहत इनको स्टेट्यूटरी पावर भी दी गई है। दोनों के तहत ये अपना काम करता है और ऑडिटिंग का काम करता है। अब ऑडिटिंग क्या करेगा, किसकी करेगा, ऑल द रिसिट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो रिसिट एंड एक्सपेंडिचर है उनका ऑडिट करने का काम कौन करता है, सीएजी करता है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, जो भी कॉर्पोरेशन है जिनके अंदर गवर्नमेंट का 51 इक्विटी शेयर करती है गवर्नमेंट, उनका भी ऑडिट करने का काम कौन करता है, सीएजी करता है। साथ ही साथ कोई प्राइवेट अगर कंपनी है, कोई कॉर्पोरेशन है, बड़ा घराना है, वो भी अपना ऑडिट इनसे करवा सकता है, ठीक है। नाउ रिपोर्ट टू, अब जो सीएजी है ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, पार्लियामेंट के पटल के ऊपर रखता है। पार्लियामेंट यानी कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वहां पर अपनी रिपोर्ट को रखता है, और लेजिस्लेचर जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनका जब ऑडिट करेगा तो विधानसभा के पटल के ऊपर भी अपनी रिपोर्ट रखते हैं, जिसका रिव्यू किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द कमेटीज ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, 2 कमेटीज हैं इनके द्वारा इसका रिव्यू किया जाता है और इस प्रकार से सारी की सारी प्रोसीडिंग्स चलती है। दूसरी बात, जो सीएजी है वो वर्तमान में नहीं कह सकते जी, ये ऑटोमेटिकली ये हेड होते हैं किसके, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड भी होते हैं। जो भी सीएजी बनता है वो कौन होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है। आर्टिकल मैंने बताया 148 से लेकर 151 इनका आर्टिकल रहने वाला है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में हमारे सीएजी के रूप में कार्यरत हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका अपॉइंटमेंट करता है। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उनमें से इस प्रकार से कार्यकाल चलता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज करंटली द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ, अब वर्तमान में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल जिनका एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में काम कौन कर रहा है, हमारे सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, जैसे कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हो जाएंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO, नैरोबी केन्या में इसके हेडक्वार्टर हैं, 2020 से लेकर 2025 तक कार्यकाल है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 2022 से 27 तक हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन 2021 से 2023 तक हो जाएगा एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसका कार्यकाल 2020 से 22 था। ये अब कंप्लीट हो चुका है। बाकी आपने को तीन ऊपर वाली चार हैं जो 20 संस्थाएं हैं, इनको याद रखना होगा। और ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी याद रखना होगा। अगर ILO की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा के अंदर देखने को मिलते हैं। 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना होती है। 11 अप्रैल 1919 की बहुत पुरानी संस्था है। इसकी पेरेंट बॉडी अगर आपसे पूछे तो UNGA दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ साथ इसकी पेरेंट बॉडी कौन हो जाएगी, इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट बॉडी है। और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं दैट इज दी H. गिलबर्ट इसके वर्तमान में कौन हो जाएंगे, डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें भी आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और कुछ बातें अगर जानकारी के लिए चाहो तो ILO को 1969 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया था। नोबेल पीस प्राइज से भी इनको नवाजा गया था 1969 में। तो ये लेक्चर था छोटा सा मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।